subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता बचपन से हम सुनते आए हैं और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे देश का रहा है, द आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं। पर आजकल कुछ ऐसी आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती हैं जो इस एकता के बारे में कुछ सवाल उठाती है, और सबसे बड़ा तो आजकल मेरे ख्याल से सवाल ये हो गया है कि धर्म संकट में है। और मज़े की बात यह है कि सभी के धर्म संकट में है, तो ये समझ में नहीं आता है। और ये समझने के लिए कि क्या सही में संकट में है, क्या हमारी एकता में कुछ कमजोरी आ रही है, या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और सही मानों में धर्म क्या कहता है, द आइडिया ऑफ इंडिया कितना स्ट्रांग अब भी है, इसके लिए हमने आज हमारे एक बहुत ही खास पैनल को इनवाइट किया है। नवी मुंबई के जो इंटेलेक्चुअल्स मैं मानता हूँ विभिन्न क्षेत्र से हैं, और इनसे हम जानते हैं, विभिन्न कम्युनिटीज से हैं, इनसे जानते हैं कि सही मैसेज क्या है, धर्म का मैसेज क्या है, इंडिया का मैसेज क्या है, और जो भाईचारगी की जो हम सालों साल से बात करते आ रहे हैं, जनरेशन से बात करते आ रहे हैं भारत में, इंडिया में, क्या वो अब भी मजबूत है। मैं आपको हमारे पैनल से सबसे पहले मिला दूं। सबसे पहले हैं हमारे फॉर्मर मेयर सुधाकर सोनावने साहब, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्ते। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स 20% होना चाहिए और सोशल कार्य 80% होना चाहिए, ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन सोनावने साहब इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मेरे साथ है राजेश प्रजापति साहब, जो प्रजापति ग्रुप के CMD तो हैं, एक डेवलपर, नामचीन डेवलपर हैं और बहुत रेप्यूटेड डेवलपर हैं, साथ में स्पिरिचुअलिटी से बहुत एसोसिएटेड है शुरू से, और इसलिए आज हमने खास तौर से उन्हें इन्वाइट किया है। प्रजापति साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ है अली शमसी साहब, इनका तारुफ तो मेरी औकात ही नहीं है मेरे ख्याल से कि मैं इनका इंट्रोडक्शन करूं। बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल और जानकार, और शमसी साहब मेरे ख्याल से नवी मुंबई में बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। शमसी साहब बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। एंड ऑफकोर्स हमारे, मुझे कहना चाहिए कि डैशिंग बिजनेसमैन जो नवी मुंबई से हेल करते हैं, रांधवा मोटर्स से, मेहर सिंह रांधवा साहब, जो अगेन एक बिजनेसमैन तो है, नवी मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में इनका नाम गिना जाता है, साथ में स्पिरिचुअलिटी से भी ये बहुत एसोसिएटेड है। हर साल न्यू ईयर के टाइम पे जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उसमें रांधवा साहब का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका प्रोग्राम में। शुरुआत करता हूँ मैं आप ही से, सोनावने साहब, जिस तरह से आजकल माहौल हो रहा है, कुछ ही वॉइसेस हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से हो रहे हैं, बट कुछ डिस्टर्बिंग वॉइसेस आ रही है। जैसे मैंने कहा कि धर्म संकट में है, ये बात बहुत सुनाई दे रही है, आपका क्या मानना है? अभी आपके सवाल का सीधा जवाब देना, ये मेरे लिए भी धर्म संकट है क्योंकि ये किसी धर्म के बारे में बात करने के लिए ना तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ना पंडित हूँ। धर्म जो मुझे समझ में आया है, मैं आज 62 साल का हूँ और 62 साल में जो जिया हूँ उसमें मुझे जो धर्म समझ में आया है वो धर्म है मानवता धर्म, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, शिक्षित हुआ, लेकिन शिक्षित होने के बाद में अगर धर्म की बात करता है तो किस प्रकार की शिक्षा हमने ग्रहण की है, इसके बारे में मंथन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि मैं जब मेरा जन्म हुआ, हम हिंदू थे और मेरे गांव में, मेरे आसपास के इलाके में सारे लोग मुस्लिम थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा ये नहीं लगा कि ये मुस्लिम से है और उनको ऐसा नहीं लगा कि ये हिंदू है। कुछ दिन के बाद में, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि 1956 के बाद में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया और उसमें हम लोग कुछ बौद्ध बन गए, और उसके बाद में मुस्लिम से हिंदू है, क्रिश्चियन से,
ये सारे के सारे कौम जो है शिक्षा में बहुत आगे निकल गई, लेकिन जो भाईचारा उस समय था वो भाईचारा आज दिखाई नहीं देता है। इसका कारण जो है ये खोजने पर भी हमको पता नहीं चल रहा है, इसका कारण ये है कि हमारा जो लिटरेचर है जो हमें मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है, एकता में जो होते हैं ना विविधता में एकता जो है, उस लिटरेचर को हम आगे नहीं ला रहे। हम किसको ला रहे हैं? हम धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर ऐसे ऐसे लिटरेचर ला रहे हैं। हम टीवी सीरियल देख रहे हैं कि जिसको हम कभी देखते भी नहीं, सोचते समझते भी नहीं थे, जाति और उपजाति का निर्माण हुआ और उन निर्माण होने के बाद में उनका एक एक बाबा बनाया गया, काल्पनिक बाबा बनाया गया और उस बाबा को प्रोड्यूस किया गया। इस प्रकार का प्रोडक्शन, जैसे अब रंधवा जी हमारे बाजू में बैठे हैं, महिंद्रा के बहुत बड़े डीलर है, महिंद्रा का रोज एक मॉडल आता है, वैसा आजकल एक बाबा का मॉडल आने लगा है। तो इसके वजह से अगर हम देखने लगे कि हम देश को प्राथमिकता दे और देश के भाईचारे को प्राथमिकता दे, स्त्री पुरुष ये एक ही एक धर्म है, हम अगर मानने जाए तो ना कोई जात बचेगी। हाँ, हमारे देश में जो संविधान है उसके माध्यम से हमको हर एक को अपने अपने धर्म की प्रार्थना करने की, अपनी बात रखने की मोहलत दी गई है, सहूलियत दी गई है, आज़ादी दी गई है। अब कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब कानून के दायरे में आओगे तो सब एक रहेंगे। तो इस प्रकार से उस कानून के दायरे को ही, मतलब जब इस प्रकार से फिल्ट्रेशन किया जा रहा है तो वो थोड़ा घातक है। और इसके वजह से हमें आज ऐसा असुरक्षित महसूस हो रहा है कि धर्म खतरे में या हम खतरे में। प्रजापति साहब, हिंदू धर्म खतरे में है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, हिंदू धर्म किसी हालत में खतरे में नहीं है। और मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी धर्म खतरे में नहीं हो, ना है ना होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को पालने की, उसको फॉलो करने की आज़ादी है, होनी भी चाहिए। हमारे एक्चुअली हर धर्म जो है ना फाइनली एक ही तरफ लेके जाता है, उसका इशारा एक ही तरफ है। धर्म है इसलिए कि आप ईश्वर के तरफ पहुंच सके, या सुप्रीम गॉड या जो भी आप बोलते हैं। धर्म का काम बांटने का नहीं है बल्कि आपके उद्धार का है। तो वो सोच वो छोड़ के लोग इस धर्म का या उस धर्म का और धर्म धर्म में बंटवारा करना, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया है हमारे पूरे मुल्क में। और हमारे जो गुरुजी हैं थे, हमारे गुरुजी मास्टर चुहा, वो बोलते थे, उनका एक ये था, यूज टू ऑलवेज से कि जैसे वो तो चाइनीज थे बट उनका टीचिंग ऐसा था कि वो बोलते थे कि हिंदुओं में एक हिंदू ट्रेडिशन में बोलते अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो आई एम सुप्रीम गॉड। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मा का एक दो कान है, दो आँख है, एक नाक है, वैसा उसका मीनिंग नहीं है। लोगों ने वो मीनिंग निकाल लिया। उसका मीनिंग ये है कि जो ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मा का मतलब ये है कि मेरे अंदर वही गुण है जो ब्रह्मा के अंदर है। ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर एंड ही इज़ द प्रिजर्वर। सो आई एम ऑल्सो हैविंग पावर, आई एम ऑल्सो हैविंग लव एस्पेक्ट एंड आई एम ऑल्सो हैविंग डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, माइंड, इंटेलेक्ट, पावर। सिमिलरली वो बोलते हैं कि इवन क्रिश्चियन ट्रेडिशन हैज़ द सेम थिंग। क्रिश्चियन ट्रेडिशन सेज दैट मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। उसमें भी ये है, गॉड इज ओमनीसियंट, ओमनी प्रिजर्वेंट, ओमनी पोटेंट। सिमिलरली आप अगर अध्ययन करते हैं तो उनका कहना ऐसा था कि इस्लाम में भी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह हैं। बिल्कुल। और उसमें से तीन नाम वही है, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर। सो वेयर इज द डिफरेंस? ऑल द रिलीजन्स गोइंग आर pointing to the same man, same destination. आज प्रॉब्लम यह हुआ है कि लोग डेस्टिनेशन को देखने के बदले उंगली को देख रहे हैं कि इसकी उंगली छोड़ी है इसकी। सो द प्रॉब्लम इज देयर, देखने का नजरिया ही गलत हो गया है। ये दैट इज द प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये कहा, इनफैक्ट मैं भी एक देख रहा था, ऋग्वेदा में कहा गया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदान्ति। इसका मतलब ये है कि वाइज पीपल जो है वो
एक ही ट्रूथ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड उपनिषद के हिसाब से बेसिकली ये है कि एक गॉड, एक सुप्रीम पावर विच इज वर्शिप बाय डिफरेंट नेम्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम में भी 99 नेम्स हैं, तो जब हम खाली बोलते हैं अल्लाह, भगवान और ये कि भाई अलग अलग है क्या, तो खुद इस्लाम में भी तो हम अलग अलग बोल रहे हैं और उसमें नाम है रहीम है, असलाम, पीस। तो शमसी साहब, ये मुसलमान जो आजकल काफी टेररिस्ट टाइप दिख रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट दिख रहे हैं, तो ये कैसे मैच करता है? आप बोलते हैं इस्लाम का मतलब ही पीस है और फिर इस तरह से बातें आ रही हैं, ये आप किस तरह से मैच करते हैं? दरअसल अभी हमने अच्छी बातें सुनना शुरू कर दी है, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, और ये बातें तो वो लोग करेंगे जिनकी समझदारी में इंसानियत है। धर्म जो भी है, किसी ने अगर ईश्वर कहा है तो ईश्वर की कहीं मूर्ति बनाई हुई है क्या? एक सवाल है मेरा। सबको मूर्तियां आपको सब मिलेंगी, ईश्वर की मूर्ति नहीं मिलेगी। सही बात, सही बात। इसके मानी मैं कहता हूं मेरा खुदा एक है, तुम्हारा ईश्वर भी एक है। सारे मजहबों के पास जाओ तो सबसे कहेगा एक जो कुव्वत है जिसका नाम अल्लाह, ईश्वर जो भी है वो एक है। उसके बाद सेकंड लाइन जो मैंने शुरू कर दी, उस सेकंड लाइन में हमारे यहाँ इस्लाम में भी बहुत नाम है, लेकिन क्योंकि ईश्वर की जगह किसी को नहीं दी गई। ईश्वर के बाद जिसने ईश्वर की पहचान हमको कराई वो जगह किसी को नहीं दी गई, उसके बाद दूसरी जगह कहीं इधर उधर हो गया है। आज मुझे ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक सिर्फ स्वार्थ से है। आदमी खुदगर्ज बन गया है और वो इतना ज़्यादा बौला गया है कि जब तक मौत आती नहीं उसको समझ में नहीं आता कि वो मरने वाला है। सही बात है। इतना शक्तिशाली शक्तिवान मूर्ति है। हम जब करते हैं कि मराठी में, जब मैंने एक मेरा आधा शिक्षण तो मराठी में हुआ है, मानुसा सर्वप्रथम मानुसा है, मानसा ने मानसा और प्रेम के लड़के सर्वसप सर्व भरने उठ लिया, ये एक जुमला है। उस पर चार पंक्तियां भी मैं आपको बता दूं कि मानुस भंजे पशु नसे, हे जाचा हृदया ठसे, नर नारायण तो जैसे। तो आकर आखिर बात आती है कि इंसान की समझदारी है कि जिसको आप बड़ा मानते हैं। मैं आज कुछ चीज़ें लेकर छोटी सी, मैंने का मौका मिला तो बोलूँ तू कि मैं नानक जी का मैं बड़ा उपासक हूँ, मानता हूँ मुसलमान होने के बाद भी। वो तो उन्होंने जाकर हमारे मक्के में नमाज भी पढ़ाई है, हमारे बगदाद में उनका चिल्ला भी है, लेकिन उनके पास में बैठने वाले थे, उनका नाम जो था बाला और मर्दाना था, सही है जी, मुसलमान थे, मुसलमान मजहब पर रहे। ये जो नूर या उजाला इन लोगों से हमसे मिला है उसको हम संभाल नहीं सके। आइए फिर जरा छोटे से इसमें आता हूँ कि हम शिवाजी महाराज के पास जाते हैं। उनके दादा जो थे उनका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक पीर साहब थे, मुसलमानों में पीर होते हैं जिनको लोग मानते कि अच्छा देव आदमी है कहते हैं। उनका नाम था शाह शरीफ और ये उनके उपासक थे, इनके दादा जो थे। तो दादाजी गए, शादी वादी हुई थी, दो चार साल हुए थे, तो जाते जाते एक बार आया कि मैं आज पीर जी से बोलूँ कि शादी हुए टाइम हो गया है, पीर जी ज़रा दुआ कर लीजिए मालिक औलाद दे। बोले हाथ उठा। ये एक सेंस दरमियान में जो आता है ये गायब हो रहा है, इस तरफ मुझे बताना है इसको। उन्होंने हाथ उठा, उन्होंने दुआ की। अब वो ये सारा अंदाज जो है उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ईश्वर को पसंद है, इसने लिया और मेरी तरफ रुजू कर दिया कि हम दोनों मिलकर उसी से मांग लेना, जो तेरे को चाहिए वो मैं मांगू तेरे लिए। अब उसके बाद उनको दो बेटे हो गए। कैसी इंसानियत, कैसी मानवता चल रही है इसको देखने की जरूरत है। जो उपासक था
उसने दुआ करने के लिए कहा, जो पीर जी थी उन्होंने दुआ किया, उनको दो बेटे हो गए के बाद दूसरे, उनके नाम क्या रखे। आज इतिहास की बात करें तो इनको चौंकाने वाली, पहला बेटा हुआ उसका नाम शाह रखा और दूसरा बेटा है उसका नाम शरीफ रखा। हिंदू थे शाहजी और शरीफ जी, इन्हें आपस में समझदारी ऐसी निराली थी कि दो बेटे हुए तो भी उसने उस अपना जो स्पिरिचुअल टच है उसको छोड़ा नहीं। और ये शाहजी जो है वही शिवाजी महाराज के पिताजी। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं रंधवा साहब आपको, जैसे गुरु नानक जी के बारे में भी कहा गया, मैंने कुछ टाइम पहले टॉक शो किया था, उसमें भी गुरुद्वारे से आए थे, उनसे भी बात किया था, मैंने बोला था इसी टाइप के टॉपिक्स की, मैंने कहा कि भाई मुगलों से लड़ाई हुई है, आपको तो मुसलमानों से प्रॉब्लम होना ही चाहिए। और तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो हुई थी वो इनजस्टिस के खिलाफ हुई थी, किसी कौम के खिलाफ नहीं थी, वो जस्टिस इनजस्टिस की बात थी। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं धर्म खतरे में, प्रजापति साहब कह रहे हैं कि मेरा खतरे में नहीं है, शमसी साहब को नहीं लग रहा उनका खतरे में है, लेकिन ऐसी बातें चल रही है, तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। देखो बात यह है कि आज हम जो मसले पे बात कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। हम कितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, जब वो रिलेटेड डिग्री से आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। एक तो बात है भगवान की, दूसरी बात है इंसान की, तीसरी बात है धर्म की जी। ये तीनों का मसला है। भगवान ने कुदरत के रूप में सब कुछ बनाया, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, वनस्पति बनाई, जानवर बनाए, जो चीज़ बना सकते थे बनाया और सिस्टेमेटिक आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया। समुद्र बनाया कि जितना भी पानी हो, कैसा भी पानी हो, उसमें आके गिर जाए और स्वच्छ ही रहे, तो वो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। फिर उसको देख रेख करने के लिए भी होना चाहिए, तो उन्होंने पहले देखा कि मैंने जो अभी तक किया है तो उसमें क्या कमियां तो नहीं है, जो काम करता है भले भगवान है क्या है उसने बनाया, तो उसको स्टडी किया, देखा कि हमने जानवर कीड़े मकोड़े बहुत बना दिए, ये वनस्पति को ख़त्म कर रहे हैं, फैलने नहीं दे रहे, तो उन्होंने डायनासोर बनाए। डायनासोर ने ऐसा काम किया कि जो भी सामने आता था खा जाते थे, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, तो फिर तब इंसान बनाए उसको कंट्रोल करने के लिए। ये एक स्टडी है। तो इसके साथ में आता है धर्म। धर्म शुरू हुआ विश्वास से। जब तक इंसान में विश्वास नहीं है वो किसी धर्म का लायक नहीं है, कोई धर्म हो। भक्त नामदेव का नाम आपने सुना है, महाराष्ट्र में थे, इतनी भक्ति कर रहे थे तो उनको मंदिर में नहीं रहने दिया क्योंकि तुम शूद्र हो। वो बाहर गए जाके बैठ के भगवान को शिकायत करने लगे तो जो मंदिर था वो घूम गया, मंदिर ही उनकी तरफ आ गया, आज भी मौजूद है। नरसिंह नामदेव गांव है नंदेड़ के पास, आज भी मौजूद है, वो प्रैक्टिकल है। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ रहना ही नहीं, जो मेरे को समझते ही नहीं, मैं यहाँ पंजाब चले गया, पंजाब में जाके साधु बन गए। इतनी भक्ति की, जब गुरु नानक देव जी ने स्टडी किया, आप बेसिक मूल ले लो कि गुरु नानक देव जी के साथ में बाला और मर्दाना थे, उनके धर्म के नहीं थे वो, उनके साथी थे लेकिन उनके धर्म के नहीं थे, उनको उन पर विश्वास था और उन दोनों को उन पर विश्वास था, इसलिए उनके साथ चले।
अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम चाहिएगा, मैं शॉर्ट में बताता हूं। तो जब सब लोग मानने लगे गुरु नानक देव जी को, तो बोले कि हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। बोला आप इनवाइट नहीं हो, मैं तो भगवान की दी हुई शिक्षा आगे आपको पास कर रहा हूं और आप शिक्षा ले रहे हो तो इसलिए आप सीखो, सीख से सिख बना। जब तक आप किसी शिक्षा ले रहे हो तो तभी गुरु बोलोगे ना उसको, वो गुरु बन गए, ये सिख बन गए। सिख का मतलब शिक्षा लेना। उस समय सिख कोई भी बनता था, जो उसको उनको मानता है उनका सिख बन गया, विश्वास हो गया जिसको सिख बन गया। किसी का किसी पे विश्वास है, आपने धनाजत का सुना होगा, धनाजत को पंडित जी ने बोल दिया कि ये जो पत्थर है ये भगवान है, इसको ठाकुर बोलते हैं। तो बोला ये मेरे काम करेगा? बोला हाँ मेरे आपके काम करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे को दे दे। उसने उनको बोला इतने पैसे लेंगे? बोला ले ले। तो उन्होंने रख के पूजा किया उसका, पूजा करके वो बोले तुम भोग लगाओगे तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो घर की पत्नी अड़ोसी पड़ोसी सब उनको बेवकूफ बोलने लगे, पागल बोलने लगे कि पत्थर थोड़ी भगवान है। बोला नहीं मेरे को विश्वास है ये भगवान है। तो पूजा करते रहे, तो एक दिन भगवान पैदा हो गए, प्रकट हो गए। बोले भी बोल बोल पहले भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा, मैं भी भूखा हूं, आप भोग नहीं लगाए तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने भोग लगाया तो बोला ठीक है मैं अपनी थाली लेके बैठता हूँ, आप भी खाओ मैं भी खाता हूँ। फिर बोला बोल मेरे लिए क्या हुक्म है? भगवान बोल रहा है भगत को, आप बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? बोला मेरे खेत में मेरे पास बैल नहीं है, मेरे पास आदमी नहीं है काम करने के लिए। बोला चलो हम करेंगे। वो हल बैल की जगह पे भगवान लग गए और एक पीछे हल चला रहे। तो बात ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब विश्वास था तो भगवान आए, तो भगवान ने उनका सब काम किया। तो गुरु नानक देव जी ने जगह जगह पे जाके प्रचार किया, प्रचार किया। तो वहाँ पे कुछ पोथियाँ मिली उनको, वो पोथियाँ इकट्ठे करते गए। वो पोथियाँ अच्छे भक्तों की थी, जो भगवान को मानने वाले थे उनकी थी। तो उनको कंपाइल करके बाद में गुरु ग्रंथ बना। इसलिए गुरु ग्रंथ में गुरुओं की वाणी तो है ही है, भक्तों की वाणी भी है, भट्टों की भी वाणी भी है। उसमें कुछ धर्म ऊंच नीच नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो भगवान है सबके साझे हैं, क्योंकि इंसान भगवान का ही बनाया हुआ है। तो इंसान भगवान से अलग नहीं हो सकता, भगवान इंसान से अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब तक इंसान है तब तक भगवान उसके साथ है। उसकी इंसानियत चली गई तो भगवान उसके साथ नहीं है। ये सोनाने साहब, ये इंसानियत की जो बात हो रही है, हम बोल रहे हैं सब ईश्वर अल्लाह भगवान वाहेगुरु सब एक है, ये जब आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है कि फेस्टिवल्स जब आ रहे हैं खुशियों का टाइप, और हमारे इंडिया में तो बहुत खास होता था कि भाई हर त्यौहार सब मिलकर मना रहे थे। आपके यहाँ पे भी हमने देखा है, रामनवमी मनाया आपने, मदरसे का फंक्शन था वो किया, और अभी अम्बेडकर जयंती भी जोर शोर से किया। लेकिन ओवरऑल दिख रहा है कई जगहों पे फेस्टिवल आए मतलब टेंशन की बात हो जा रही है। जैसे कि रंधावा साहब ने यहाँ पर जो बात कही कि विश्वास खत्म हो गया है, जो विश्वास करेगा तभी तो आगे जाएगा ना, किसके विश्वास पर आप जाना चाहोगे? हर एक आदमी अपने अपने आइडेंटिटी अलग दिखाना चाहता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं जिस गांव से आया हूँ उस गांव में, वहाँ से तो आने के बाद में यहाँ भी जो नई मुंबई है, अब नई मुंबई बनी है ना, यहाँ भी तो छोटे छोटे गाँव थे। गाँव में आप देखिए ना, वहाँ आपको दरगाह मिलेगी, वहाँ आपको मंदिर मिलेगा, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो उस समय हिंदू का त्यौहार होता था तो मुसलमान भी साथ में जुट जाते थे, और मुसलमान का त्यौहार होता हिंदू जुट जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज उनके अंदर का जो विश्वास है वो खत्म हो गया है, और हर एक चाहता है कि मैं यहाँ का किंग बनूँ,
मैं यहाँ का सर्वे सर्वा बनूँ। और सर्वे सर्वा बनने के लिए जब हमने देखा है कि इतिहास को जब पढ़ते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ाई हुई, अफजल खान और शिवाजी में लड़ाई हुई, वो नाम उनके अफजल था, इनका शिवाजी था, उनका महाराणा था और उनका अकबर था, लेकिन लड़ाई तो दो धर्म के बीच में नहीं हुई थी, लड़ाई दो राजाओं के बीच में हुई थी। और उस समय राज्य के लिए लोग, राजा लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे और वो राज्य को हासिल करते थे। लेकिन हम आज जो देख रहे हैं कि 21वीं सदी में पूरे विश्व में कई देश जो है कि लोकतंत्र के दायरे में आ गए हैं, और हम भी 75 साल पहले लोकतंत्र को हमने अपनाया है, और लोकतंत्र में अब लड़ाई खत्म हो गई, ना जाति की है, ना धर्म की है, ना कुछ है, तो लड़ाई क्या बची है। अब जब हम देखते हैं कि जब हमने इस देश को आज़ाद किया, उस समय हम देखते हैं कि संसद के जो सांसद थे या तो मिनिस्टर थे, आप सबका एजुकेशन देखना, आप सबके संस्कार देखना, आप सबके विरोध करने की जो स्टाइल है वो देखना, और आज के देखना, उस समय आपके बातों को वो मतलब पूरे स्टडी के साथ पूरे हिस्ट्री को पढ़ के पूरे सामने रखते थे और आपके इसका खंडन करते थे। आज खंडन नहीं, आज अगर मुझसे भारी यहाँ पर मुझे अगर शमशी साहब है, मैं सीधा उनको बोलूँगा ये मुसलमान है इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मुझे आसान है, आसान हो गया धर्म के तरफ उंगली दिखाना। तो धर्म के तरफ उंगली दिखाने से अच्छा है कि मैं अगर मेरा अंदर झांक के देखूँ तो मेरे संस्कार क्या कहते हैं, मुझे दी गई इस देश की आज़ादी के बाद में जो लोकतंत्र की जो अधिकार की माला है वो मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। जैसे कि मैंने कहा कि आज अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर जयंती 25 साल पहले हम जो मनाते थे उसमें एक अलग चीज़ थी और आज अलग है। आप मुझे जाके देखिए कि रबाले में वो भले ही कष्टकारियों की बस्ती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती की मिरौनक निकलती है, किसी भी प्रकार कोई भी रंग नहीं डाला जाता है, पहले डाला जाता था, तो कुछ लोग नए कपड़े पहन के आते थे, कपड़े खराब होते थे, गर्मी का दिन होता था, अभी फूल बरसाते लोग, लोगों को अच्छा लगता है, किसने विरोध नहीं किया, 25 साल से चल रहा है। वैसी तरह गणपति का उत्सव होता है उसमें भी लोग जाते हैं, और उसके बाद में हमारे यहाँ से जो ताजे होते हैं ताजों के जुलूस निकलता है, तो उस जुलूस में भी लोग गुलाब के फूल देते हैं, उसके बाद में वहाँ शरबत देते हैं, उनको ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि सामने वाला जो राजनीतिक नेता है इस जिसमें उस समय तलवार निकाल के खड़े हो जाते थे, और आप सबके पास में बहुत भारी भारी हथियार है लेकिन निकाल नहीं सकते, लोकतंत्र ने उनको बांध के रखा है, तो आपके पास जो बौद्धिक क्षमता है वो खोखला हो चुकी है, तो इसके लिए आप विरोध करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हो कि वो अरे तुम मेरे जात के हो, मेरे साथ चलो, वो मेरे जात का नहीं है, इसके साथ नहीं, इसका विरोध करो। तो ये जो दिख रहा है ये हम लोकतंत्र को मतलब ऐसे खाई में लेके जाना चाहते हैं कि उसको निकालने के लिए हमको मतलब कई साल लगे, कई हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, क्या हम फिर वहाँ जाना चाहते हैं क्या? बोलिए बोलिए। नहीं, आपने जो कहा एकदम बिल्कुल सही है कि पहले के ज़माने में जो मतलब आई एम ऑल्सो 59 नहीं देखा चार में 60 साल का हो जाओ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो मिलजुल के जो हम लोग ईद दिवाली वगैरह सब मनाते थे, मेरा सबसे अच्छा दोस्त इरशाद करके था, ही वॉज अ मुस्लिम, एंड हमको कभी ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई और है या कोई गैर है उसके, हम लोग उनके घर पे जाते थे, रोजे भी रखते, मैं तो रोजे भी रखता था उसके साथ, वो बोला तेरे को भी रखना पड़ेगा, बोला ठीक है मैं भी रखता हूँ, तो मैं भी रोजे रखता था, हम लोग जाके साथ में इफ्तार करते थे। तो जब आप मेरे को ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये होता था, मैं ना अक्सर ये एग्जाम्पल बहुत देता हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे वाशिम में अगर हम देखें सेक्टर 9A का एरिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब एक लाइन में, ये तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होना चाहिए था, मेरे ख्याल से रोज दंगे वहां होने चाहिए थे, क्योंकि और जुलूस भी निकलते हैं, गणपति के भी सब निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि सिख भाई जो है वहां पे लंगर रहता है, शरबत बांटते हैं, मस्जिद के वहां जाते हैं तो फूल प्रेजेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? और ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी जगहों पे क्यों होता है। देयर इज अ डिफरेंस। मैं अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट देखने के लिए गया था,
बट आई हैव सीन द जेंट्री, वहाँ पे जो है ना इलिटरेसी बहुत है अभी भी इन बॉम्बे ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बिलो लिटरेट लेवल, और यहाँ पे 94-96% के बीच में लोग लिटरेट हैं. तो एक बार आदमी एजुकेशन लेता है उसके बाद डेफिनेटली उसके विजन में फ़र्क आता है, उसके थॉट प्रोसेस में फ़र्क आता है. और वो मतलब आप इन जनरल जैसे आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल गई है उसके ऊपर ध्यान देने के बदले वो अपना विवेक लगाता है कि भाई व्हाट इज, और जब भी अपने व्यक्ति ने अपना विवेक लगाया अपने हिसाब से सोचा कि नहीं ये जो बोल रहे इसमें इतना तथ्य नहीं है, ही हैज़ टू गो बैक, ही हैज़ टू स्टडी, और जब वो स्टडी करेगा तो डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा कि सारे रिलीजन्स तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, धर्म सारे एक ही चीज़, जैसे बोला ना मैंने कि दे आर पॉइंटिंग टू द सेम डेस्टिनेशन. तो धर्म और अधर्म है क्या, मतलब मुझे एक फिलोसोफर मिला था एस्ट्रोलॉजर टाइप का वो था, तो उसने बोला प्रजापति आप जब तक धार्मिक कार्य करोगे तब तक आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी. तो मैं बहुत खुश हुआ, बोला चलो एक मेरे को मंत्र मिल गया, धार्मिक कार्य करेंगे तो मैं बहुत हमेशा प्रगति करते रहूँगा. मगर अगले दिन मैं सोच में पड़ गया कि भाई धार्मिक कार्य होता क्या है. पहली बात कि मैं पूजा करूँ, पाठ करूँ, शिव जी की करूँ कि ब्रह्मा जी की करूँ कि कृष्णा की करूँ, किसकी करूँ. तो मैंने बहुत स्टडी किया उसको, मतलब एंड नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल और कंटिन्यू, बट आई वॉज ईगर, मतलब एंशियस, ये था क्यूरियस था कि आफ्टरऑल धार्मिक कार्य होता क्या है. बहुत स्टडी करने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्य दो ही सेंटेंसेस में होते हैं, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड वांट अदर्स टू डू अनटू यू. मतलब वो चीज़ करो जो आप चाहते हो दूसरे हमारे साथ करें, प्यार करें, हमारे सहायता करें, हमारे दुख सुख में काम आए. एंड डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट अदर्स टू डू अनटू यू. मतलब वो काम मत करो जो आप ये नहीं चाहो कि दूसरा कोई मेरे साथ करे. बेसिकली मानव मानव के लिए रहे, प्यार हो. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़.